पहले हम समझेंगे कुरान शरीफ के पेज को। ये कुरान शरीफ का पेज है, इधर होता है पारा का नंबर, ठीक है। यहां पेज नंबर होता है एक्स वाई जेड जो भी, यहां पर होता है सूरा का नंबर, ठीक है। आयत यहां से स्टार्ट होती है, जहां आयत खत्म होती वहां नंबर होती है। एक नंबर की आयत ये है, तो हम लोग आमतौर से एक नंबर देखते हैं और दो नंबर की आयत को एक नंबर समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कुरान शरीफ में आयत स्टार्ट होती है, जहां पर आयत खत्म होती है वहां पर आयत का नंबर होता है। दो नंबर की आयत ये है। आगे चल के ये 87 की नंबर की आयत है। 87 की नंबर की आयत कौन है? ये 88 नंबर की आयत कौन है? ये 89 नंबर की आयत कौन है? ये सूरत नंबर 16 आयत नंबर 89 में आपको दिखाई देगी वो आयत, जिसकी वजह से ये जुमला हम पढ़ते। ये समझ में आ गया कि पारा का नंबर राइट साइड में होता है पेज के और सूरत का नंबर लेफ्ट साइड में होता है। आयत स्टार्ट होती जहां पर खत्म होती वहां पर आयत का नंबर होता है, ठीक है। मसलन 87 नंबर की आयत पढ़नी हो तो 86 के बाद वाली पढ़ेंगे, ठीक है। अब वहां पर क्या लिखा हुआ है वो लिखते हैं। इज़ा करता कुरान अल कुरान फस्तईज, फस्तईज बिल्लाह मिन अश्शैतान अर्रजीम। सूरत नंबर 16 आयत नंबर 98। अब इसको पढ़ लेंगे पहले। वह के माने इजा करता, ता जबरता क्या माने पढ़े हम लोग? तू किरत करना, तू पढ़े। और जब तू पढ़े क्या पढ़े? अल कुरान। और जब तू पढ़े कुरान, किसको कह रहा है? जो कुरान पढ़ रहा है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं तो मुझको, आप पढ़ रहे हैं तो आप। और जब तू क्या करे? पढ़े। क्या पढ़े? फिर या तो इस ताइज पनाह में आ जा, बिल्लाह अल्लाह की, मिन से अश्शैतान शैतान से। वो शैतान कौन है? अर्रजीम। आम तौर से मर्दूद तर्जमा करते, इसका रूट वर्ड है रजीम मिम रजम। हाजी लोग शैतान को रजम करते, तस्करी मारते। वो शैतान को नहीं मारते बल्कि उस टावर को मारते। उनका अमल ये बताता कि हम शैतान को रिजेक्ट करते हैं, मर्दूद करते हैं, रद्द करते हैं। तो उसी से तर्जमा हमारे हिंदुस्तानी लोग मर्दूद करते हैं, ठीक है। अब इस आयत की वजह से वो जुमला पढ़ना क्या है? फर्ज है। क्या है मेरे भाई? कुरान में जो हुक्म आएगा वो क्या होगा? हम पर फर्ज होगा। जब जब हम कुरान पढ़ेंगे तब तब हमें क्या पढ़ना है? अब औज़ु, चाहे जो जैसा पढ़े लेकिन पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, वगैरह वगैरह कुछ भी पढ़ना है लेकिन, ठीक है। जिनके यहाँ जो रिवाज है वो पढ़े लेकिन पढ़ना है। अब उसके माने हम पढ़ते हैं, ठीक। इसको समझने में कोई मुश्किल?
वाव आपको छोटी बुक में मिलेगी, एजा छोटी बुक में मिलेगी। कुरान मालूम है, किरत मालूम है, ता हम समझ गए, ठीक है। ये एक नया लफ्ज है फस्ताई, तो इसको याद करना है, अभी वहां पढ़ेंगे। बे के माने भी नया है, अल्लाह मालूम, मिन मालूम, शैतान मरदूद, सब मालूम। अभी इतनी ग्रामर में आपको आधा से ज्यादा मालूम हो गया, बगैर कोई तैयारी, आधा से ज्यादा नहीं मालूम हुआ। गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कितना मालूम हुआ? आठ। एक, दो, तीन, ग्यारह में से तीन आपको नहीं मालूम बगैर कोई तैयारी के, और बकिया आठ मालूम। अब मुश्किल है कि आसान है? अल्लाह पाक ने क्या कहा? चार मर्तबा कहा, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। यकीनन हमने आसान किया कुरान को किसके लिए? लिज़्ज़िक्र, अल्लाह की याद के लिए, जिक्र के लिए। तो कोई है जो थोड़ा सा एफर्ट लगाए? फहल मिन मुद्दकिर, फिर है कोई जो थोड़ी कोशिश करे? आमतौर से तर्जमा मिलता नसीहत हासिल करने, अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक ने आसान कर दिया। आप लोग को तीन दिन में पता चल गया होगा कितना मुश्किल है कितना आसान। मुश्किल क्यों है मेरे भाइयों? हमारा रिलेशन कुरान शरीफ से जुड़ा हुआ नहीं है। रिलेशन कहां तक जुड़ा हुआ है? सिर्फ उसकी अरबी पढ़ लो, और उससे भी ज्यादा रिलेशन जुड़ा हुआ है फला सूरत फला के लिए पढ़ लो, फला सूरत फला के लिए पढ़ लो। आमतौर से हम कुरान पढ़ते हैं तो वही वजीफा पढ़ते हैं। हमें कुरान शरीफ की रोजाना तिलावत करनी है। कुरान शरीफ स्टार्ट कहाँ से होगी? सूरह फातिहा से, और एक दौर कहाँ से होगा? सूरह नास तक। अगर हम इस सिस्टम से पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ का दौर होगा, वरना हम रोज वजीफा पढ़ते रहते हैं। कभी रात में सूरह वाकया पढ़ लिए, कभी सूरह यासीन पढ़ लिए, कभी और पढ़ लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात समझ में आई कि ये जुमला किधर से आया? अल्लाह का हुक्म है, जब जब आप कुरान पढ़े तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करें, किससे? शैतान मर्दूद से। अब हम पढ़ेंगे आऊजो को, इसका रूट वर्ड ऐन वाव जाल है। आउज के माने पनाह, चाहना या मांगना, ठीक है। औज के माने पनाह चाहना। अलीफ शुरू में आई, कौन सी टेंस है? फ्यूचर एंड प्रेजेंट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब माना क्या होगा? औजो, मैं पनाह में आता हूं या मैं पनाह मांगता हूं। अब यही कुरान शरीफ में आपको दिखाई देगी, नऊजो, शुरू में नून आई, हम सब पनाह में आते हैं। यही कुरान शरीफ में दिखाई देगी, ताऊजूना, वामून, ताऊजूना, तुम सब पनाह मांगते हो, ताऊजो, तू पनाह मांगता है, याऊजूना, याऊजूना, याऊजो, वो पनाह मांगता है। अऊजो क्या माने बनेगा? मैं पनाह मांगता हूं या मांगती हूं, मेल पढ़ रही है, पढ़ रहा है तो मांगता हूं, और औरत पढ़ रही है तो मांगती हूं। इसको मिटा करो, मैं पनाह मांगता हूं। बाग के कई माने आएंगे, बाग एक को दूसरे से जोड़ता है, कनेक्टेड वर्ड है, एक को दूसरे से जोड़ता है। बा के माने की, बा के माने से, बा के माने साथ, बा के माने पर। आमतौर से ये चार माने आते हैं, जुमला जैसा रहेगा बा का माना वैसा करेंगे, ठीक है। बे के माने की, बी ही उसकी, बिहिम उनकी, बीका तेरी,
बिकुम तुम्हारी, बिकुम तुम्हारी, बी मेरी, बिना हमारी, वगैरह वगैरह, बिल्ला अल्लाह की, बोलो बोलो अल्लाह की। देखो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। अब मैं मुजम्मिल भाई से परेशान हूं तो मैं क्या कहता हूं, मुजम्मिल भाई से मैं पनाह मांगता हूं। अब क्या मालूम हुआ कि मुजम्मिल भाई हमें नहीं चाहिए, तो मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह से, तो मतलब क्या होगा, अल्लाह नहीं चाहिए तो से नहीं सूट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या सूट करेगा, की। अगर साथ करते हैं तो हमारे साथ अल्लाह भी पनाह मांगने जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा इसको इस्तेमाल करेंगे, कहां पर कौन सा फिट होगा। थोड़े दिन तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप तिलावत करोगे और बाकी माने खुद ब खुद अंदर से आएगा, बाकी माने यहां पर यही होगा। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, की। अब क्या माना होगा, आऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की, मैं अपने आप को अल्लाह की पनाह में देता हूं, अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, अल्लाह के हवाले करता हूं। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाह मैं पनाह मांगता हूं किसकी, अल्लाह की, मिन के माने से, शैतान के माने रजीम के माने, आऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम। आज इतने पढ़ते हैं, कल पूरी ग्रामर फिर रिपीट करेंगे प्लस सूरह फातिहा। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो 9:30 यहाँ पहुंचे, 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, शुरू की क्लास ज्यादा आम है, ज्यादा आम सुनेंगे तो दिमाग पर बैठेगा। कल यहाँ तक पढ़ेंगे, इससे आगे सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह।